जिला जेल में बंदी रक्षक के पद पर कार्यरत अपने पति की मौत के 4 साल बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर पीड़िता ने अपने पुत्र के साथ शनिवार को मंडलीय कारागार पहुंची और आईजी जेल से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता लक्ष्मी देवी ने आईजी जेल से कहा कि उनके पति की मौत सर्विस के दौरान 4 साल पूर्व हो चुकी है। वह जेल के सरकारी आवास में रहती है जिसको भी खाली कराया जा रहा है। लक्ष्मी देवी की बातों को सुनते हुए आईजी जेल ने उनकी समस्या के निदान का आश्वासन दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़िता लक्ष्मी ने कहा कि पति की नौकरी नहीं मिलने के कारण काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। वहीं गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी जेल चंद्र प्रकाश ने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है जिसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कब मिलते हुए थे? 5 साल के अंदर नौकरी चाहिए, उसमें एलिजिबल नहीं हो, कैसे मिलेगा? तो वार्ड में बैठे अंडर हाइट तो कैसे होगा? तो भाई जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई अभी लक्ष्मी देवी, मैं आए थो अपने हक के लिए, लड़का की नौकरी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, और मेरा आवास है गांव, आवास नहीं है, मेरे आदमी बीमारी हालत में मर गए। कहाँ पे नौकरी करते थे? नौकरी गोरखपुर जेल पर करते थे, ठाकुर प्रसाद। और आवास खाली करने के लिए मुझे नोटिस गई थी, हम आवास के लिए हम भाग कर गाँव से आए, और हम भी बीमारिया आदमी हैं, बच्चों के कारण अपना, लड़की मेरी जवान घर में पड़ी है, बच्चा नौकरी के लिए परेशान है कि ये लड़का ढूंढने जाए, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। क्या कहें, कहें हैं कि हाँ ठीक है, सुन तो लिए। अभी आपने देखा कि दो लोग मिलने आए थे, इनके समस्याओं को लिख लिया गया है, और भी जो छोटी मोटी बातें निरीक्षण में आई हैं उनको नोट कर लिया गया है, उनका जाके निदान कराने का प्रयास किया जाएगा।